तो उसका ये भी था कि मैंने जो जितनी फिल्में देखी थी, जो अनुभव मैंने किया था, तो मेरी फिल्म में अमिताभ बच्चन है और मैं उसको छोटे पर्दे पे देखूँ, मेरे को वो मतलब हजम नहीं हो रही थी बात। मुझे वो शहनशाह जब आई थी, तो हम हमारे गांव में जहाँ वीडियो सेंटर्स थे, तो वो चाहे 3-4 वीडियो सेंटर्स थे, तो शहनशाह आने वाली थी, वीडियो कैसेट आते थे, तो मुझे याद है कि 25 वीडियो सेंटर्स बन गए। Now there is strong buzz about a Diwali release. Do you think that's the perfect period for a film like Adipurush, given that it's Ramayan? Yeah, we right now we have not decided the date. So once we decide, we'll tell you. क्योंकि दिवाली पे अभी देर आर अदर फिल्म ऑल्सो। मेरा ख्वाब है कि शिवाजी महाराज पे मैं कभी ना कभी फिल्म करूँ, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ भी मेरे लिए है। तो लिख रहे हैं और बाकी भी प्रोसेस में है चीज़ें। मुगल विल बी नाउ लिटिल लेटर बिकॉज एज वी हैव सीन ऑल द आमिर सर फिल्म ऑल्सो इज गेटिंग डिलेड फॉर द रिलीज। सो दैट वी सी बिकॉज सी मुगल मीन्स एवरी टाइम पीपल आस्क मी टाइम एंड अगेन। Hi guys, this is Himesh and welcome to Pink Villa. Today I have with us two people who are gearing up for the release of a film which is termed as Bade Parde Ke Liye Badi Film. Yes, I am talking about Jhund. Welcome to Pink Villa guys, it's lovely having you here and congratulations, the trailer looks very intriguing. So looking forward to the film. Thank you. You know, my first question is to both of you. 1 week for the release, we have been waiting for Jhund since so long. What are the feelings like? Kaisa lag raha hai with just a week more? Because the film has been spoken about since 2 years, then pandemic and everything. So, see, we are making this means we made this film much before pandemic, and obviously pandemic delayed the film for at minimum of 2 years. Yeah, and feeling very nice because we have always thought that we will make this film for big screen only. And in between, jab kafi we were getting offers also for the OTT release and all. So that time we thought ke should we go for a OTT release, but as my director Nagaraj ji was always ke this film I have made for, maine bade parde ke liye film banayi hai, to mujhe bade parde pe hi ye film aani chahiye. Baki aap dekh lijiye, matlab jaise aapki marzi ho, lekin mere ko inke जो इनके मन में था, तो आई वॉन्टेड टू कीप दैट ओनली कि हमें वी शुड रिलीज दिस फिल्म विद द बिगर ऑडियंस एंड ऑल, बिकॉज द काइंड ऑफ फिल्म ही हैज मेड दैट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब कोई VFX फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सपीरियंस बड़े पर्दे पे करनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने एक रियलिटी वर्ल्ड दिखाया है, स्लम फुटबॉल, वो आई थिंक इमोशन बड़े पर्दे पे एक अलग इम्पैक्ट देता है। तो जितनी भी स्क्रीनिंग्स हमारी अभी हुई हैं एंड वी आर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग, इट इज़ ओवरवेलमिंग, मीन्स इट्स वेरी वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स। क्या फैक्टर था जो आपको ऑल थ्रू द पैंडेमिक यू हैड द कॉन्फिडेंस कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर ही आनी चाहिए? सर ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन वही मेरी बात थी कि ये फिल्म अगर आप अकेले देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट शायद आप पे अलग हो सकता है, लेकिन आप झुंड में देखेंगे, लोगों के साथ देखेंगे, तो शायद बहुत बढ़िया इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और मेरा मानना है कोई भी फिल्म अगर आप थिएटर पे देखते हो, मतलब चाहे अकेले भी देखो, बड़े पर्दे पे देख आप थिएटर में अकेले हो, तो भी वो फिल्म आपको एक अलग अनुभव देती है। और ये फिल्म ऐसी है कि आप एक दूसरे से बात करते हुए हंस के, डिस्कस करके, या खुश होके या उदास होके एक साथ देखना चाहोगे। और जो मतलब सैराट में फील हुआ, लोगों ने जितना इंजॉय किया, तो मुझे लगता है शायद लोगों को वो इतनी मतलब इतना मज़ा आए ये देखते हुए। और बच्चन सर हैं और मेरी पहली फिल्म है, तो मैंने भूषण जी को बहुत बार कहा कि फिल्म किया है और मतलब क्या कहते कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि बच्चन सर के साथ काम करूंगा, लेकिन हो गई है ये फिल्म। और वो OTT पे जाएगी तो मुझे बहुत मतलब मायूसी हो जाएगी, तो सर ने मेरी बात रख ली मन में और मुझे बैक किया और फाइनली पर्दे पे रिलीज हो रही है। बट दैट्स अ वेरी ग्रेट मूव बिकॉज आज के टाइम में एक्चुअली गिवन हिज फैन फॉलोइंग ऑल्सो इन महाराष्ट्र, इट इज अ फिल्म विच कैन एक्चुअली ब्रिंग इन द ऑडियंस इन अ बिग वे। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी ब्रेव डिसीजन फ्रॉम यू एज वेल टू होल्ड इट फॉर 2 years व्हेन सो मेनी फिल्म्स आर गोइंग ऑन। बिल्कुल, और उसके लिए थैंक यू बोला मैं भूषण जी को बहुत बार कि आप ये बात को मान रहे हैं। एंड सो अमित जी जो है उन्होंने विजय का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी फिल्मों में प्ले किया है, एंड ओवर हियर अगेन ही इज प्लेइंग विजय, बट बहुत ही अलग अवतार है विजय का।
एंड हम सब लाइक बच्चन जी के ओल्ड फिल्म्स देखे हैं एंड उन्हें लाइक किया है. जो विजय का कैरेक्टर है उससे आप दोनों की क्या मेमोरीज है बच्चन सर के करियर में? या बोलना चाहेंगे पहले? नहीं, आप सबसे बड़े फैन हैं, आप बोलिए. मैं तो मतलब मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि इसमें नाम हम विजय रख रहे हैं. और जैसे कहा कि सर की इतनी सारी फिल्में हैं कि जिसमें विजय नाम है, और शायद कुछ भी नाम हो लेकिन सर की फिल्म तो बहुत बढ़िया होती है. सर मतलब जो हमने कहा ना कि बड़ी फिल्म बड़े बड़े देवर, तो उसका ये भी था कि मैंने जो जितनी फिल्में देखी थी, जो अनुभव मैंने किया था, तो मेरी फिल्म में अमिताभ बच्चन है और मैं उसको छोटे पर्दे पर देखूँ, मेरे को वो मतलब हजम नहीं हो रही थी बात. तो सर की मतलब कितनी सारी फिल्में जिसमें विजय नाम है, और नाम जहाँ विजय है वो फिल्म तो बेहतर है ही है, और जिसमें नहीं है ऐसी कोई फिल्म नहीं कि सर की अच्छी नहीं है. तो ये कोइंसिडेंस अच्छा है कि विजय नाम शायद बच्चन सर के साथ बहुत पॉजिटिव वे में जुड़ा हुआ है, और वो विजयी बात यहाँ भी अगर जुड़ती है तो वो जानबूझ के नहीं किया, उसका कारण भी था, तो वो हो गया, तो अच्छी बात है और अच्छा लगे सबको ये किरदार. कि हमारी फिल्म में जिस किरदार के ऊपर हमने इंस्पायर होकर फिल्म बनाई है मिस्टर विजय बरसे, तो उनका नाम ही विजय बरसे है, तो वी हैव टू कीप विजय ओनली. तो इट इज़ कोइंसिडेंटली हो गया, लेकिन इट्स गुड, इट्स अ लक्की फैक्टर. जितनी भी फिल्में हैं आई थिंक अपना अमित जी की आज तक की, उसमें विजय नाम काफ़ी लकी रहा है फिल्म्स के लिए. सर आपकी क्या मेमोरीज रही है विद अमित जी प्लेइंग विजय इन फिल्म्स? बहुत रही है, मतलब टेक्निकली मैंने मतलब प्रैक्टिकली एक्चुअली ऑल फिल्म्स मैंने आज तक बच्चन साहब की देखी हुई हैं, और कई कई फिल्में तो बहुत बार देखी हुई हैं. आप देखते हो तो बच्चन साहब को देखते हो एक्चुअली, वो नाम को नहीं देखते. लेकिन यस, उसमें एक फैक्टर है कि जितनी भी फिल्मों में विजय नाम है, बहुत सारी फिल्मों में विजय नाम है, वो फिल्में बहुत सक्सेसफुल हुई हैं, तो ये एक थॉट है. लेकिन यादें तो बहुत सारी फिल्मों की हैं, मैंने कितनी फिल्में 20-20 बार देखी हैं, 25 बार देखी हैं. मुझे वो शहनशाह जब आई थी, तो हमारे गांव में जहां वीडियो सेंटर्स थे, तो वो शायद 3-4 वीडियो सेंटर्स थे, तो शहनशाह आने वाले थे, वीडियो कैसेट आते थे, तो मुझे याद है कि 25 वीडियो सेंटर्स बन गए. तो एक ही वीडियो सेंटर की 3-3 टीवी लगा के उन्होंने घर खाली करके, हॉल खाली करके, और लगभग 5-6 दिन 25 सारी वीडियोज हाउसफुल, और 1 रुपये टिकट था, तो उस टाइम 10 रुपये टिकट हो गया था. तो वो मुझे बहुत याद है. और वो फिल्म जब आने वाली थी, तो हम सब बैठ के, जो हमसे बड़े बच्चे हैं, और मायापुरी उस दौरान वही एक सोर्स था, अभी तो बहुत सारे ये हैं कि आप फिल्मों के बारे में जान सकते हैं, तो उसमें से जो बातें आती थी और जितनी क्यूरियसिटी उत्सुकता हम में तब थी, तो वो इतनी याद है मेरे को. आखिरी रास्ता, कितनी सारी फिल्में, क्या फैक्टर था जिसने आपको ये ट्रांजिशन के लिए सोचने का, यू नो, एक क्या एक वो फैक्टर था जिससे आपने डिसाइड किया कि ये फिल्म हिंदी में बननी चाहिए, नॉट इन मराठी? मतलब ऐसे मैं जानबूझ के सोचता नहीं था कि हिंदी और ये, लेकिन ये फिल्म बच्चन सर को ध्यान में रखते हुए हम बनाना चाहते थे. तो मुझे लगा कि हिंदी फिल्म ही होनी चाहिए, और उसका बैकड्रॉप जो है मराठी है, तो महाराष्ट्र में ये फिल्म बेस्ड है, नागपुर की कहानी है, तो वो उसकी कोई खास और ज़रूरत नहीं ज़रूरी थी कि बच्चन सर, इतना ही कारण बहुत काफ़ी था कि हिंदी में फिल्म कर सकते हैं. और ये कंसेप्ट भी ऐसा है कि ये हिंदी में भी हो सकता था. नागपुर की भाषा हिंदी है, वहाँ के बच्चे आमतौर पे मुझे लगते मराठी भी है, हिंदी का इन्फ्लुएंस जो है ऐसी मराठी है, और नागपुरी जो हिंदी है वो भी अलग है मुंबई या बाकी शहरों से. तो बहुत सारे कारण थे कि ऐसा लगा कि और मजबूत हो सकती है ये, और बच्चन सर के साथ काम करना है तो हिंदी में ही करना चाहिए. एंड सो यू नो, अगर हम ये फिल्म की मार्केटिंग देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है. ट्रेलर 10 डेज बिफोर द रिलीज, जो काफ़ी रेयर, यूजुअली वो 20-25 डेज 30 डेज का कैंपेन. व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस, लाइक टू कीप अ 10 डे कैंपेन फ्रॉम ट्रेलर? ऑफ कोर्स सॉन्ग्स पहले आए थे, वी स्टार्टेड विद अ टीजर, फिर उसके बाद हम सॉन्ग्स लाए, फिर ट्रेलर लाए, क्योंकि आज आफ्टर पेंडेमिक
जो चीज़ें आ रही हैं, जितनी भी फिल्में आ रही हैं, अगर आप गंगूबाई भी देखेंगे तो दे ऑल्सो डिड अ 3 वीक कैंपेन. तो अभी कैंपेन शॉर्टर इसलिए है क्योंकि लोगों को एक रिकॉल वैल्यू जो है वो ज़्यादा टाइम का स्पैन देना मतलब करेक्ट नहीं है. तो लोगों को अभी थिएटर में लाने के लिए जो अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जो लास्ट मोमेंट पे आप इम्पैक्ट देंगे, क्योंकि नॉर्मली आप 4 हफ्ते पहले ट्रेलर लॉन्च करते हैं और उसके बाद फिर इतनी चीज़ों के ट्रेलर आ जाते हैं कि लोगों का स्पैन एक हो जाता है. इसमें हमारी सोच थी कि फिल्म रिलीज़ से 10 दिन पहले ट्रेलर आएगा, तो उस बीच में लोगों का कोई डाइवर्जन नहीं होगा किसी और ट्रेलर की तरफ, एंड पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस ट्रेलर ओनली. तो एक लोगों की रिकॉल वैल्यू इमीडिएट की रहेगी कि यार अभी ट्रेलर आया और 10 दिन में फिल्म आ रही है. सो दैट वॉज द थॉट प्रोसेस. एंड ये पहली बार नहीं हुआ, मीन्स मेनी पीपल हैव डन इन द पास्ट ऑल्सो. Gangubai released yesterday. It has opened well. How confident do you feel after seeing that opening? I'm so super happy. Means I love Sanjay ji's work and I've dealt with him in so many times in music. So I'm very happy for the film, for the makers, and plus for the industry. Ki means the a big film has taken a good opening, and people are going to theaters and all. And now the cinema halls also 100%. Yes. So it's all the means reason to cheer and welcome audience to the theaters and theater exhibitors ke liye bhi it was very very important ke filmein aaye aur work kare. Okay, yeah. Aur numbers aaye jo pre pandemic aate the. To abhi jis type ke numbers aa rahe hain to usse confidence level to badhta hi hai ke theater mein log filmein dekhne aana chahte hain. To we also hope ke hamari film bhi log theater mein zyada se zyada dekhne aayenge. थिएटर में लोग ज़्यादा देखना आए, उस वो फैक्टर से इन लास्ट 3 मंथ्स जितने भी एग्जिबिटर्स से मैं बात कर रहा हूँ, एवरीवन हैज बीन सेइंग दैट जून इज अ फिल्म टू वॉच आउट फॉर. एंड जब उनको रीज़न पूछते हैं, बहुत कम डायरेक्टर होते हैं जो ऐसा एक कॉन्फिडेंस लाते हैं, आप वन ऑफ द फ्यू है जो, तो लोग बोलते हैं नागराज मंजुलिया, अमिताभ बच्चन, ये बहुत फॉर्मिडेबल कॉन्फिडेंस है. सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट ये एक फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पे स्ट्राइक कर सकती है, स्पेशली महाराष्ट्र, बिकॉज पीपल लव यू. वॉट सॉर्ट ऑफ प्रेशर do you feel when you know there are these expectations on you as a director that it's a Nagaraj Manjule film with jahan pe audience director ke naam pe bhi dekhne aayegi? Actually main matlab Nagaraj Manjule film, iska pressure mujhe kabhi aata nahi tha, aur main itna aisa naam main manta nahi hu ki uska pressure lena chahiye aur itna ye karna chahiye. Mujhe sabhi ye kabhi kabhi kya kahe ki dhyan mein aati hai baat ki Bachchan sir ke sath film hai to logon ko achhi lagni chahiye, aur maine kaam kiya hai to shayad वो थोड़ा सा प्रेशर कहें या थोड़ा सा दिमाग में जो बात चल रही है वो है, वरना मैं मेरी फिल्म क्या करेगी कभी सोचता नहीं. Okay. और प्रेशर लेके काम नहीं करता, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो काम करता हूँ. मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जो सक्सेसफुल हो. मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ कि जो थिएटर में जाके धूम ही मचा दे. ऐसा काम नहीं कभी सोचा भी नहीं था कि सैराट ने, मतलब मन में था लेकिन वो आप पूरी तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर करोगे, कोई नहीं कर पाएगा कि ऐसा ही होना चाहिए. अच्छा काम करो, मन लगा के ध्यान लगा के काम करो, और फिल्म चली तो ठीक, नहीं चलेगी तो भी ठीक है. लेकिन इस बार सिर्फ ये बात है कि मतलब फिल्म जगत, अगर फिल्म ये नाम आ जाए, ये इंडस्ट्री का नाम आ जाए, तो सबसे प्यारी, सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है अमिताभ बच्चन, बचपन से लेकर आज तक. Okay. और उनके साथ मैंने काम किया, ये अभी अभी थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है मेरे को कि हाँ ये सच बात है. कभी कभी मतलब बहुत बार सर को जब मैं मिलके 2-3 बार मिलके जब वापस जा रहा था, तो मैंने गाड़ी में बैठ के मैं ऐसे ही सोच रहा था जब पुणे जा रहा था, तो अभी मैं अमिताभ बच्चन सर से मिल के आया, तो मेरे को वो महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि शायद मैं मेरे बहन को बाहर नहीं निकालना चाहता था. तो मैंने घर फ़ोन करके कहा कि ये बात मतलब सच है कि मैं ऐसे ऐसा हो रहा है मेरे को, तो वो मैं इमोशन मेरे में, मतलब मैं जितना बड़ा फैन हूँ शायद मैं उतना महसूस नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी, क्योंकि मेरे को एक प्रेशर है कि जो काम किया है वो शायद उसके लिए तो लगता है कि लोगों को पसंद आए. बाकी मैं कभी ये इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि लोगों ने फिल्म देखो ही आओ, मैं कभी ऐसा बोलता भी नहीं, क्योंकि फिल्म ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ है नहीं. बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो होना चाहिए, और उसके लिए आग्रह आप कर सकते हो, फिल्म के लिए नहीं कर सकते. जैसे भूषण जी ने कहा कि फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, हाँ, तो एक रियल लाइफ पर्सन की कहानी को एक फिल्म में सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स एक फिल्म में पैकेज करना कितना डिफिकल्ट है, बिकॉज फिल्म का एक लिमिटेड रन टाइम रहता है, 2.5 आवर्स 3 आवर्स, एंड उसमें अगर हम ट्रेलर देखें तो ह्यूमर है, इमोशन है, ड्रामा है, स्पोर्ट है, सब कुछ है. तो क्या कितना चैलेंजिंग होता है टू
get it all in a feature film? Cinema से आप कुछ गंभीर या कुछ ज़रूरी कुछ महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश करो, ये ठीक ही है, लेकिन वो लोगों को पसंद भी आना चाहिए जी। तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वही एक फार्मूला है और उसी तरीके से कहा जा सकता है, आप अलग तरीके से भी कह सकते हो। तो मैं जैसी फिल्म बनाना चाहता हूँ उस तरीके का जो मेरा क्या कहें विचार है या मैं जो जिस तरीके से मैंने फिल्में बनाई है, लेकिन ये सब्जेक्ट को लेके मैं जो स्क्रिप्ट बनाना मतलब चाहता था या बना सकता था वो मैंने किया और वही शूट भी किया। एक तरफ बच्चन सर थे लेकिन बाकी जो हमारी कास्टिंग है वो एकदम न्यू कमर थे, पहली बार ही काम कर रहे हैं। तो सर के साथ इन लोगों को देख के मैं भी इतना खुश होता हूँ और हमें अभी जब भी जितने सारे स्क्रीनिंग किए हैं सब लोगों को इतना मज़ा आता है, इतना तारीफ कर रहे लोग और बच्चन सर और ये लोग बच्चे, तो ये बहुत ही अविश्वसनीय तरीके का एक कॉम्बिनेशन बन गया है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो स्क्रिप्ट आपका जो सब्जेक्ट है आपका जो विचार है वो आप कहते हो और एक एंटरटेनिंग तरीके से और थोड़ा सा कुछ सोचने वाली बात भी आप कह सकते हो, तो वो ज़रूरी है। एंड ये फिल्म का रन टाइम क्या है? 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है। ओके ओके, 50 और एंड स्क्रोल पकड़ के 2:52 या 3 है। ओके, सिमिलर टू सैराट वाज लॉन्ग। सैराट या सैराट ही है, मतलब उतना ही है चाहे। या क्वेश्चन से, यू नो रिसेंटली आदिपुरुष वाज, यू नो द रिलीज डेट ऑफ आदिपुरुष वाज पुश्ड एंड नाउ देयर इज स्ट्रांग बज अबाउट अ दिवाली रिलीज। डू यू थिंक दैट्स द परफेक्ट पीरियड फॉर अ फिल्म लाइक आदिपुरुष गिवन दैट इट्स रामायण? या वी राइट नाउ वी हैव नॉट डिसाइडेड द डेट, सो वंस वी डिसाइड वी विल टेल यू। क्योंकि दिवाली पे अभी देयर आर अदर फिल्म्स आल्सो, सो वी हैव टू सी व्हिच डेट विल कम। नागराज सर, आफ्टर जून आपकी जो नेक्स्ट फिल्म अनाउंस्ड हुई है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्म विद रितेश देशमुख। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिल्म बनाना, एंड वो फिल्म का क्या मतलब, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट फिल्म? देखिए, ये पेंडेमिक के कारण बहुत सारी चीज़ें डिले हुई हैं और वो मेरी मतलब मेरा ख्वाब है कि शिवाजी महाराज में मैं कभी ना कभी फिल्म करूँ और वो बहुत ज़रूरी चीज़ भी मेरे लिए है। तो लिख रहे हैं और बाकी भी प्रोसेस में है चीज़ें, लेकिन ये पैंडेमिक ने बहुत सारा शेड्यूल गड़बड़ा दिया है। मे बी सम मंथ्स डाउन द लाइन पता चलेगा एग्जैक्टली क्या। हाँ, अभी एक बार झुंड रिलीज हो जाए तो फिर उसके बाद कैन वी एक्सपेक्ट अनदर कोलैबोरेशन बिटवीन द टू ऑफ यू? यस, बिल्कुल। वो तो नहीं करना है मुझे, मतलब मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि बहुत ही क्या कहें समझदार और बहुत ही मतलब मच्योर प्रोड्यूसर हैं भूषण जी, और मेरे को पहले पता नहीं था और बहुत सारी बातें सुनते हैं आप दूर से, लेकिन जब सर के साथ 3 सालों से मेरा एक रिश्ता नाता बना है तो बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ मैं भी, और होपफुली कि हम जल्दी साथ में काम करें। व्हाट्स द लाइनअप लाइक नाउ दैट थिएटर सिनेमा हॉल्स आर ओपन फॉर टी सीरीज गोइंग अहेड? सी, जैसे मैंने आई जस्ट टोल्ड यू कि मींस आफ्टर गंगूबाई'स रिस्पॉन्स वी हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस, दो वी हैव अनाउंस द रिलीज डेट्स ऑफ आर फिल्म which are coming. So we have now, means after Jhund, we have Radhe Shyam, which we are doing in Hindi, and then we have Anek with Ayushman, then we have Bhool Bhulaiya, which we'll be releasing in May, and then we have Ek Villain, then we have Thank God with Ajay sir and Siddharth Malhotra, Indra Kumar's film. So many releases are lined up, so then we'll be having Shehzada in the end of the year, and before that also we have couple of films which we are planning to, you know, put the release date on now into the theaters only. And is there any update on Mughal? Mughal will be now little later because as we have seen, you know, all the Amit sir's film also is getting delayed for the release. So that we see, because see, Mughal means every time people ask me time and again for that film, I'm not in hurry. That is not a project for me. That's a dream thing. I can make it this year, I can make it next year, I can make after 3 years, 4 years, there is no limit to it. Yeah. But whenever it will, but it will be made for sure. And it will be made with a proper, when proper timing and everything is correct. So we are still not decided ki when we'll start that. And now that's what next for you after June? एक दो फिल्म प्रोड्यूस किया हूँ और उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ। एक फिल्म अभी हमने अनाउंस किया था, घर बंदूक बिरयानी नाम है उसका, मराठी फिल्म। okay. तो वो शायद कर रहे हैं। एक शॉर्ट फिल्म भी किया बीच में मैंने। या ऑन Amazon। परफेक्ट। एंड लास्ट वर्ड्स ऑन जून बिफोर साइनिंग ऑफ। जून हम मींस एज टी सीरीज एज प्रोड्यूसर्स वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म। मींस मैं अभी भी आई जस्ट गिव वन इंटरव्यू, आई वाज जस्ट टेलिंग दैट इन दैट फिल्म
कि एवरी फिल्म यू डोंट मेक इट फॉर कमर्शियल गेन्स. सो नो मैटर वॉट कमर्शियली वॉट बेनिफिट वी गेट, प्रॉफिट वी गेट फ्रॉम जून, बट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन वी आर गेटिंग एंड द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्राउड फीलिंग वी हैव गॉट आफ्टर सीइंग द फिल्म, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस एज अ स्टूडियो एंड एज प्रोड्यूसर्स. सो बट इट्स अ लवली फिल्म, इट्स अ अगेन इट्स अ कमर्शियल फिल्म, इट्स अ रियल फिल्म. और जिस तरीके का जोन नागराज जी ने इसमें दिखाया है, जिस तरीके से रियल कैरेक्टर्स को लेके, मीन रियल स्लम के किड्स को लेके, उनको ट्रेन करके उनको एक्टिंग करवाई है, तो आपको दिखता है कि कितनी ये रियलिटी है, कि दिस इज़ द रियलिटी एंड किस तरीके से उसमें कन्वर्जन होता है सबका. सो इट्स वेरी नाइस थिंग टू से. सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म. एंड सर, फॉर यू लास्ट वर्ड्स. सर ने ही कह दी बात. मैं बस आशा कर रहा हूँ कि सबको फिल्म अच्छी लगे. थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिलीज. थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पिंक विला.